यहाँ पे देखिए पूजा के लिए फूल बेलपत्र दूध सारा कुछ यहाँ पे इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। तो ये जो क्लिप है वो रक्षाबंधन के दिन का है। उसी दिन सोमवार भी था, आखिरी सोमवार था। दिन की कुछ शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई कि सबसे पहले हमने पूजा किया, सुबह उठ के नहा धो के झाड़ू पोछा सब लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ जैसे सारा सोमवार मैंने पूजा किया था। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है और रक्षाबंधन का मुहूर्त जो था वो आप सभी जानते ही होंगे, 1:30 बजे के बाद था। तो हमने कहा कि चलो पूजा कर लेते हैं। और आज के दिन हम तीनों लोगों का फास्ट था, आखिरी सोमवार का फास्ट था। तो सुबह सुबह दीदी आई थी तो खाने बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने कुछ बनवाया नहीं। और फिर शाम को ही हम लोग खाते, तो शाम को बनाना था। फिर बीच में प्लान हुआ कि कहीं बाहर जाना है, एक मंदिर जाना है। तो फिर मंदिर जाते तो फिर आते आते लेट हो जाता, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना ही लेते हैं। तो मैंने 12 बजे से खाना बनाना, 11:30, 12 से बनाना खाना स्टार्ट किया था। और 1:30 बजे हमने कहा कि रक्षाबंधन करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए मैं क्या सब बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सेवई बना ले रही हूँ कुछ मीठे में। कुकर में मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था दाल चने की दाल जिसका हम तड़का करके बनाएंगे। तो आज के खाने में हम प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करें क्योंकि हमारा फास्ट है। तो फास्ट में जब भी हम खाना खाते हैं रात को तो बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। वहाँ पे मटर बॉईल कर रही थी मैं मटर पनीर के लिए, तो यहाँ पे देखिए पनीर कट करके रख लिया है और काजू भी है। तो आज चूँकि प्याज लहसुन नहीं डालना है तो थोड़ा सा काजू वगैरह डाल के ही बनाऊँगी मैं मटर पनीर। तो बस मेन्यू में मेरा मटर पनीर और यहाँ पे देखिए बगल में ये सूखी सब्ज़ी मेरी जो है वो चढ़ी हुई थी। तो सूखी सब्ज़ी, मटर पनीर, चने दाल का तड़का, सेवई, पूरी, पुलाव और मिठाई, ये हमारा आज का खाना था। तो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने फ़ोरन दे दिया था और उसके बाद यहाँ पे टोमेटो का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। टोमेटो का पेस्ट डाल दूँगी, टोमेटो का पेस्ट वगैरह सब जब सुबह दीदी आई थी ना तो उनसे ये सब मैंने काम करवा लिया था, बर्तन वगैरह उनसे धुलवा लिए थे। और ये सब की फलहारी में हम लोग ने मूँगफली का खीर खाया था, तो मूँगफली वगैरह उनसे रोस्ट करा के पीसवा के रख लिए थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोमेटो का पेस्ट हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था, थोड़ा हमने सूखी सब्ज़ी में यूज़ किया, थोड़ा पनीर के लिए यूज़ किया। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने खाने का इंतज़ाम, खाना बना ले रही हूँ। जैसे ही खाना बनेगा, खाना बनाते बनाते 1:30 बज जाएगा, रक्षाबंधन का मुहूर्त आ जाएगा और उसके बाद हम जो है रक्षाबंधन करेंगे। अपने सारे भाइयों को मैंने यहाँ से राखी भेज दिया बाराबंकी, और अद्दू के लिए भी राखी आ गया, इनके लिए भी, शुभम जी के लिए भी राखी आया। तो बस हम लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यही है, आगे देखते रहिए अद्दू ने कैसे मनाया अपना पहला रक्षाबंधन। आगे बने रहिए और देखते रहिए। तो ये मैंने डाल दिया काजू का पेस्ट और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। यहाँ पे हमारी शाही पनीर जो भी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सूखी सब्जी और पनीर का सब्जी बन के रेडी हो चुका है। और बस अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना सारा काम कर लिया, भगोने में नीचे खीर है, सेवई है, कैसरोल में सूखी सब्जी है, कुकर में दाल है और उस वाली कढ़ाई में पनीर है। और यहाँ पे सब बर्तन वगैरह मैंने साफ कर लिया, किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया। शाम को दीदी नहीं आती तो मैंने सब कुछ कर लिया है और बस अब मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की तैयारी करने। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ये थाली निकाल ली है और इसमें मैंने घी के दिए जला लिए हैं। जो भी राखी हमारे पास आए थे सब राखी को मैं अच्छे से यहाँ पे सजा लेती हूँ। और ये दीदी का राखी जो इनके लिए आया था, हम दोनों के लिए आया था, वो राखी यहाँ पर है। तो सारा कुछ मैं अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। सब कुछ टाइम से हो रहा था
और बस यही है हमारा रक्षाबंधन का, हमने स्टार्ट कर दिया है और अब हम थोड़ी देर में राखी का कार्यक्रम करेंगे। अब लीजिए अपने, अब नहीं, अब नहीं पता चलेगा। सारी राखी यहाँ पे देखिए, बाबू क्या देख रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए हमारे अथर्व जी भी पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, ट्रेडिशनल कपड़ों में कुर्ता पैजामा पहना दिया है और मैंने भी यहाँ पे अपना एक सूट चेंज कर लिया और बस मैंने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है, मिठाई वगैरह। फ्रेंड्स फेस्टिवल वाले दिन तो एक्साइटमेंट होती ही है, कोई भी फेस्टिवल हो तो बड़े ही अच्छे से उसको सब हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से करें प्रॉपर तरीके से। तो मे बी शायद उस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उत्साहित हो जाती हूँ ना कि उस दिन फिर हर बात में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ी इमोशनल होने लगती हूँ, ऐसा वाला होता है मेरे साथ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। Happy Raksha Bandhan to all my sister and brother. Everyone, Happy Raksha Bandhan to Happy Raksha Bandhan to all everyone, all my brother and sister. Happy Raksha Bandhan from Atharv. सारी दीदियों को प्रणाम। सारी दीदियों को प्रणाम। यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे, चलो दू बंद हम क्यों नहीं मानेंगे, हाँ एगो मौसी बहन दे थी। चल करू इनको राखी से ज्यादा चॉकलेट में दिलचस्पी है। देख लीजिए इसका बदमाशी, देख लीजिए, देख लो बहन लोग अपने भाई का बदमाशी। नहीं हम बांटते हैं बोले अच्छा ठीक है। वो मैं बांटूंगी, ये देखो अद्दू देखो, ये देख रे नाक में लगी, तो ये बहनों की तरफ से भैया मेरे। ठीक है एलेक्सा प्ले रक्षाबंधन सॉन्ग। एलेक्सा प्ले भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। पोर्ट्रेट लीजिए वीडियो, पोर्ट्रेट होना खराब। एलेक्सा वॉल्यूम 10। और अब यहाँ अथर्व को दूसरी राखी उनके पापा बांध दे रहे हैं, तो ये देखिए अथर्व कैसे राखी बनवा रहा है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे अथर्व का राखी डन और अब ये अपनी राखी बांध रहे हैं। और यहाँ पे दीदी की तरफ से इनकी आरती। और ये राखी के साथ एक और ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट टाइप का था, बहुत ही अच्छा था, तो ये इन्होंने अथर्व को पहना दिया। तो फ्रेंड्स, दीदी ने मेरे लिए भी वो राखी के सेट के साथ आते हैं लुम्बा जिसको बोलते हैं, तो वो भेजा था। तो इन्होंने अपनी राखी पहनी और मैं भी यहाँ पे देखिए हाथ में पहन ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर था, ब्रेसलेट जैसा था। और बस मैंने भी यहाँ पे पहन लिया है और बस कुछ इस तरीके से रहा हमारा राखी का पर्व। और ये देखिए, मैंने मेहंदी कल लगा लिया था तो अच्छी खासी मेहंदी मेरी चढ़ गई थी। तो बस हम लोगों ने राखी पहन लिया और खाना तो अब रात में ही खाना है। और ये हम दोनों की साथ की एक पिक राखी के साथ। और ये सारे फ़ोटोज़ मैंने दीदी को भी भेज दिए थे, सब जो को ग्रुप पे डाल दिया था। तो बस यही था हमारा राखी का त्यौहार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा देखिए शाम की पूजा का टाइम हो चुका है, मैंने नहा धो के स्नान कर लिया है। ये देखिए, अब हम पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमारी शाम की लास्ट पूजा, सावन की सोमवार की लास्ट पूजा। और बस फिर से वापस जैसे मैंने पिछले भी दिखाया था, वैसे ही अभी शाम के टाइम में भी स्नान करके और भगवान को फिर से वापस से फ्रेश करके अब इनकी पूजा करेंगे और उसके बाद ही हम लोग अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आरती टाइम, वन बाय वन करके हम तीनों लोग आरती कर लेंगे। तीनों लोग का ही फास्ट था तो दो तीनों लोगों का पहले आरती पूजा होगा। और अथर्व भी देखिए बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने म्यूट कर दिया हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था, मतलब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ बन ही चुका था। जल्दी से मैंने राइस बनाया और ये पूरी के लिए आटा सान दिया। तो आप चलिए जल्दी से खाने की तरफ चलते हैं। पूरी वेल वेल के छानना है और बस। मौसी, कैसा था आज का व्रत आपका? बहुत अच्छा था। देखिए हम क्या सब बनाए हैं।
पता नहीं मौसी को कैसा लगेगा। दे दीजिए मौसी का, निकालिए फटाफट से, निकाल निकाल ले, पूरी बनाएंगे ये, अभी टेस्ट करेंगे वन बाय वन करके। एक बार वैसे मैं इनको खिला चुकी हूँ, थोड़ा नमक कम लग रहा है पनीर में, सही है। बिना प्याज लहसुन का है सारा खाना, देखिए। तो इनको खाना दे दिया है, अब पूरी बनाते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे लगाएंगे। तो उसे आने ठीक से खिलिए, आगे ब्रोथ के बाद मुझे नहीं हुई है खैर वाला। ये कपड़ा भी सब दिन रही है ना, सर में थोड़ा सा बस मूंगफली का हलवा खाई थी, कत्ते छले हैं ए बाटी से एक बाटी, तकर बाद ओ छले है तेरा से खून छले हैं। लूट कर अपना हाथ करा के जल की कृपा तो नहीं आती के बाबा। और सब ठीक छे? और तुक्का, अरे खाना पीना तो और सके भोग लाओ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन पे बात करी थी मम्मी से, और यहाँ पे हम लोग का खाना पीना सब हो चुका है, किचन वगैरह सब क्लीन करके बर्तन अब सब रख दिए हैं, सुबह दीदी आके साफ करेंगी, बस सारा काम हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से बीता हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, और साथ ही साथ ये वीडियो अब यहीं पे एंड करने का वक्त आ गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे इस चैनल को श्रुति झा व्लॉग को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ये देखिए रात के 9 बज गए हैं, सारा काम हो चुका है, और बस बाय बाय एवरीवन। और यहाँ पे ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, अद्दू जो है वो सो के उठ गया है, खेल रहा है, बस यही था, दैट्स ऑल अबाउट रक्षाबंधन वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आकार, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे यानी कि 20 ऑफ अगस्त को अथर्व का बर्थडे, हमने 9th बर्थडे सेलिब्रेट किया, 19 को रक्षाबंधन था, 20 को इसका बर्थडे था। तो बस ये देखिए नया नया ड्रेस इसके पापा इनके लिए लेके आए थे, केक लेके आए थे, तो बस ये था बर्थडे। और ये कुछ फोटोज़, तो बस इसी के साथ मैं फाइनली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।